नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे चैनल मार्केट विद्यालय में स्वागत है। आज हम बात करेंगे आईटीसी के बारे में। दोस्तों, आईटीसी में हमने अभी देखा एक ज़बरदस्त, हमें एक दौड़ लगाते हुए स्टॉक दिख रहा है। अब ये स्टॉक आगे कहाँ तक जा सकता है और इस स्टॉक में क्या होगा, उस बारे में भी हम चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों को एक स्टोरी बताऊँगा कि देखिए, जब आईटीसी मूव नहीं कर रहा था, यहाँ पे तरह तरह की बातें कर रहे थे कि आईटीसी में आखिर हो क्या गया है। दोस्तों, जैसे कि कोविड के कारण, कोरोना के कारण हमने यहाँ पे देखा कि स्टॉक मार्केट क्रैश हो गया। सारे स्टॉक लगभग 30-40-40-50-50% तक हमें गिरावट देखने को मिला। उसी गिरावट में आईटीसी ने भी लगभग 150 रुपये का लो लगाया। उसके बाद तो वहाँ से सारे स्टॉक 2-3 गुना हो गए, लेकिन आईटीसी जहाँ 150 से सिर्फ 200 तक ही गया, और 200 से 210 220 तक ये स्टॉक लगभग एक साल डेढ़ साल तक ट्रेड कर रहा था। तो लोगों को यहाँ लगने लगा था कि यार ये आईटीसी तो ऐसे स्टॉक है, यहाँ पैसे लगाएंगे तो यहाँ कुछ रिटर्न मिलेगा नहीं, उसे अच्छा आरडी कर दे, एफडी कर दे, एटलीस्ट वहाँ 4-5% का तो रिटर्न मिलेगा। लेकिन दोस्तों, आईटीसी एक ऐसा कंपनी है, एक ऐसा मोनोपोली कंपनी है कि इस कंपनी का कोई सब्सटीट्यूट ही नहीं है। आज हम इसी के बारे में चर्चा करेंगे। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। इस वीडियो को शुरू करने से पहले, अगर आप हमारे चैनल फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो हमारे चैनल को जरूर जरूर सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों, आईटीसी सबसे पहला चीज़, ये कंपनी तो पूरी टोटली डेट फ्री कंपनी, इस कंपनी के ऊपर कर्ज ना के बराबर है। सेकेंड, ये जिस सेक्टर में काम करती है तो वहाँ की हम मोनोपोली कंपनी भी कह सकते हैं। हमारे इंडिया में जितना भी सिगरेट बिकता है उसमें से 80% रेवेन्यू, 80% मार्केट शेयर आईटीसी का ही है। जैसे कि आप गोल्ड फ्लेक, डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ सिगरेट मार्केट में देखते होंगे, तो मार्केट में जितना भी सिगरेट हमारे इंडिया में बिकता है उसमें से 80% आईटीसी कंपनी का सिगरेट बिकता है। अब हम आईटीसी का, ये कंपनी सिर्फ सिगरेट ही नहीं बेचती है, ये कंपनी का पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाई है। जैसे कि ये कंपनी एफएमसीजी से रिलेटेड वर्क करती, मतलब एफएमसीजी से रिलेटेड प्रोडक्ट बेचती है, होटल इंडस्ट्रीज़ में काम करती है, एग्रीकल्चर सेक्टर में ये कंपनी काम करती है, पेपर बोर्ड एंड पेपर पैकेजिंग में भी इस कंपनी का प्रेजेंस है। लेकिन जो हम मेनली देखते हैं एफएमसीजी और इसका सिगरेट भी एफएमसीजी से ही, मतलब उसी सेक्टर में ये आता है। तो देखिए, एफएमसीजी में भी ऐसा नहीं है कि कंपनी कोई ब्रांड नहीं, कंपनी के पास ज़बरदस्त मोनोपोली ब्रांड, जैसे कि आटा। आप मार्केट में कौन सा आटा जानते हो? आशीर्वाद। आशीर्वाद किसका है? आईटीसी का है। मंगलदीप अगरबत्ती, पेपर बोट, इस तरह से इस कंपनी के पास सनफिस्ट बिस्किट, साइकिल छाप अगरबत्ती, ये सब आईटीसी कंपनी का ही प्रोडक्ट है। एफएमसीजी सेक्टर से इस कंपनी का 28% का रेवेन्यू आता है, होटल इंडस्ट्री से 4% का आता है, एग्रीकल्चर सेक्टर से 13% का आता है, पेपर बोर्ड पैकेजिंग सेक्टर, पेपर सेक्टर से इस कंपनी का 10% का रेवेन्यू आता है। तो कुल मिला के ये कंपनी का पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाई है और इस कंपनी पे अपार संभावना है। दोस्तों, एक चीज़ मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूँगा कि अगर आपके पास कुछ फंड रखे हैं तो आप इस स्टॉक में 5 साल के लिए छोड़ दीजिए। अगर एग्जांपल के तौर पे देखें, अगर आपके पास 20,000 रुपये है, आप 10,000 बैंक में छोड़ दीजिए, 10,000 यहाँ छोड़ दीजिए, 5 साल बाद देखेंगे कि ये 10,000 का वैल्यू आपको 50,000 पार रहेगा। और आप जो बैंक वाला देखेंगे ना, बैंक में 10,000 का कितना, 15-16,000 ही रहेगा, और ये 1,000 से आपका ज़्यादा भी रह सकता है, क्योंकि ये कंपनी एक क्वालिटी कंपनी है, मोनोपोली बिजनेस है। इस कंपनी का जो फंडामेंटल है ना, एकदम ज़बरदस्त फंडामेंटल है। इस कंपनी का मार्केट कैप 3,30,00,000 के ऊपर का है, मतलब सोच सकते हो कि इतना ज़्यादा इसका मार्केट कैप है। मौजूदा भाव 268 रुपये चल रहा है, कल ही इस कंपनी ने 52 वीं हाई लगाया। अब ये 52वीं हाई और कब तक लगाएगा हमको नहीं पता, लेकिन मौजूदा समय में 268 इसका आसपास प्राइस है, 199 का इसका लो है, और कल ही इसने 269 का मतलब 52वीं हाई लगाया है। और सबसे मेनली हम किसी भी कंपनी का मेजरमेंट उसके प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट से देखते हैं।
तो ये कंपनी आप पूरा ट्रैक रिकॉर्ड उठा के देख लीजिए, हमेशा आपको प्रॉफिट में ही नज़र आएगी। जैसे कि पिछले क्वार्टर में 4,000 करोड़ के प्रॉफिट, उसके पिछले क्वार्टर में लगभग 3,700 करोड़ का प्रॉफिट, उसके पिछले क्वार्टर में 3,276 करोड़ का प्रॉफिट। तो ये प्रॉफिट ग्राफ इसका लगातार बढ़ रहा है। तो ये कंपनी अगर हम एवरेज प्रॉफिट की हर क्वार्टर में बात करेंगे, 3,350 करोड़ का तो प्रॉफिट हर क्वार्टर में कमाई लेती है। ईयर वाइज में भी देखेंगे तो आप ये हर साल 12-13,000 करोड़ तो कमाई लेती है। जैसे कि 2021 में इसने 13,000 करोड़ का पैसा कमाया, पिछले साल 2020 में लगभग 15,000 करोड़ का इसने कमाई की। तो कुल मिला के बात करें तो इस कंपनी को कमाना आता है। और एक चीज़ मैं आप लोगों को बताऊंगा, जैसे कि ये कंपनी के जो सीक्रेट कारोबार है ना, चाहे लॉकडाउन आ जाए, चाहे प्रलय आ जाए, चाहे कुछ भी आ जाए, जो आदमी नशा करता है उसको नशा होना ही है। जो आदमी सिगरेट पीता है उस आदमी को सिगरेट की तलब हमेशा रहेगी, चाहे वो हॉस्पिटल में एडमिट रहे, चाहे उसके घर में शादी हो, चाहे उसके घर में मेहमान आए, चाहे उसके घर में एबीसीडी हो। जिस आदमी को नशा करना है तो आदमी वहाँ नशा करके ही रहेगा, उसके लिए वहाँ कोई बंदी से नहीं है। तो ये कंपनी उसी क्षेत्र में काम करती है, तो ऐसे मोनोपोली कंपनी आप कहाँ मिलेगी। तो मेरा पर्सनल ऑब्जर्वेशन है, अगर लॉन्ग टर्म के आप प्लेयर है तो इस स्टॉक को अपने पोर्टफोलियो में रखना ही चाहिए।